कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी से बढ़त को देखते हुए देश के कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इसमें दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई और मणिपुर राज्यों में तमाम स्कूलों और कॉलेजों को एहतियातन बंद करने का ऐलान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना वायरस को लेकर एक बैठक की गई। इसके बाद सरकार ने ऐलान किया कि 31 मार्च तक राज्य के सभी स्कूल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। साथ ही सभी अस्पतालों में बेड बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 22 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं जहां परीक्षाएं चल रही हैं, वो स्कूल और कॉलेज परीक्षाओं के बाद बंद किए जाएंगे। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला लिया कि कोरोना वायरस को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया जाए। मणिपुर सरकार ने एक बयान जारी कर राज्य के स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य विधानसभा में ऐलान किया कि सभी शिक्षण संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। केवल वो ही स्कूल खुले रहेंगे जिनमें परीक्षाएं ली जा रही हैं। इसके अलावा राज्य के तमाम सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम भी बंद रखे जाएंगे। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के 5 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। न्यूज डेस्क।